समझ में नहीं, काली बड़ी जन्नत में क्या हिंदो, थोड़ो समझायो तो सही। मौला फरमायो हर वो शख्स जेको जिते भी जायो वा नियत या थस हक बोले उहो कबूल कंदुस इन नियत सा तहकीक शुरू कयाई जेतरो मिलियस ओतरो मन्याई जन्नत। एकड़ो मानो एड़े घर में पैदा थे जिते अल्लाह जो इनकार इन्हें बुधो तो कें जगह तवाज पे अचे बाबा हे अल्लाह नियत या कयाई तो हाँ मैं तहकीक कंदुस जो साबित थो तो मनीस पक्को इरादो कयाई वो मोकल है छो तो हाँ इनकी नियत हुई मैं बोलींदुस लथो तो मनीस शहीद मुतहर एक अमराज हवालो दिनो जो शक कह हर शे एतरे कदर जो पो वजूद से भी शक कह आया या ना वो चाहता वो सोची सोची तश्की पसंद होना जी हर गाल शक कहनोस्टिक हर गाल शक पो करें यो शक पो करें आया या ना बो शक अला आए या ना आखिरकार दिमाग इस्तेमाल कर यकीन आया सोचा तो मतलब आया तो अजा तहकीक कई चाहिए हाँ कायनात बिना खालिक के नी हली सके यकीन को जो खालिक है एतरो मजन का ही अगत वो इन बैबल इंजील पढ़ो तो लगो तो हाँ वाकई इलाही किताब हाँ मसीह थी ईसाई थी हाँ इन की नीयत छा हुई तो कुरान भी पढ़ंदुस सोचींदुस अकल मूजिब जो दलील से भरपूर आुरान वाले नस शहीद मुतहरी लिखंदा तो यो हमरा इतने इन नीयत से मौजूद हो तो यो इतने गुजारे वो कि जो अल बैत अलैहिस्सलाम जो आसार बुधन तो उन समझ में यो अचे तो यो जन्नती होजन खे जो जन्नत जगत के फैसलो खालिक के करो अस करो पर जे निशानियों मौला बुधन तो छो तो इन नीयत यहाँ हुई तो सच मनीस जो साबित थो मो अगत इरादो यो हाँ अड़े मानू के लिए मौला सादिक अलैहिस्सलाम यो फरमायो इन कर जन्नत जा दर केंते बंद करने जो असा को भी हक ना यो असो कम ही ना है तो असा यो तय क्यों असो कम पे किरदार से दावत दियण किरदार से यो जहन जबान मुझी अली अली करे पर जिसम सजो अली अलैहिस्सलाम की मुखालफत में बीठो हुए तो यो यो मुनाफ़त पे क्या मौला अली अलैहिस्सलाम पे शीयन की निशानी छा बुझाई शीयतुना मन शयउना पेरन जे निशानन ते पेर रखे हलन वारे के शिया चाहिए दावा काफी ना है शीयत किरदार जो नालो है शीयत अम्मा मैं सुमी नवैम सलात वसलाम जे दौर में शिया जी निशानी हुंदी हुई कल खून निशानी एकड़ी निशानी या हुई तो साइंसदारा सलाम अल्लाह जो पूरे खुतबो के याद हों बार याद कराइंदा हुआ बार वी तैयार कंदा हुआ तो दीन बीबी बुधायो सेखारियो यो याद हुई समझल हो हजाज के दौर में जब हजाज यो ऐलान कर शिया कतल करायो तो पुछाऊँ तो शिया कड़ा होंगे कि कतल करायूँ हजाज चाहिए बुध अली अलैहिस्सलाम के फरमा अली अलैहिस्सलाम फरमायो मुझे शिया की भी निशानी अव एक नमाज नियायत निबड़त से पढ़ा बो जरूरतमंद की मदद कह हाँ इन किस्म जो खोड़ हदीसू हैं जैमें खोड़ निशानी सिर्फ एक हदीस से इशारो करो वाक्य तो बुधा तारीख हजार चो तो बाबा मस्जिद में वो छो तो उन जमाने में नमाज एक तरीके से पढ़ा हुआ सब हथ खोले पढ़ने जो रिवाज हों वो मस्जिद में जो सभी का खुशू खुजू से नमाज तो पढ़े मुल्क समझ में नो अचे अदालत कि नाफिज क्यों तो यो खत पढ़ो नसी आलम यूनाइटेड नेशन जो जनरल सेक्रेटरी कॉपी उन खत लिखे हो समझ में नो अचे अदालत कि आणियों अली जो मालिक अश्कर ने लिखल खत नहजिल बलागा वो खोलो कानून जो अली दिनो हुकूमत हलण जो हलो अदालत अच्छे असीम मौला असीम एक नुकतो आ जैं पास बदकिस्मती से असो ध्यान न है या इनकी तबलीग तमाम घटी मौला फरमान इनमें कुछ मान किस्म इमा अख लक दीन एक दीन में तुझो भाव मन मुसलमान
दीन साहब इस्लाम मुसलमान दीन भाव दीन में भाव भाव जाहिर है फर्क होंदो मां आया मुझे बाप दी हैसियत अलग है यो मौला चाहता फरमाइन औ इमान नजीर लक फिल खल्क या पैदाइश में तो जहरो पैदाइश में तो जड़ो तुजो भाव भाव दीशे आ भाव मां अलग जो मुंह जेड़ो को फर्क ना है अली अलैहि सलातो व सलाम सजी खिलकत के असा जेड़ो चवन था यो नजरियो रखो असा तद या दावा था कयों बाबा शियत को फिरको ना है शियत इंसानियत जी तहरीका इंसानियत जी तहरीका तद है ना जो रहबर अली चवे तो खिलकत में तो जेड़ा भली हिंदू हुजे भली मसीह हुजे भली दहरी हुजे तो जेड़ो ऐसा डरी इंसानियत की इस्लाह इंसानियत के कमाल के वठी वन वाली एक तरी तहरीक तई मरम जदी उमर इब्न सर जी तीर हलायो असल में तीर ऐलान जंग शुरू थी वही उमर इब्न सर ऐलान कयो अमीर के बुधाए जो अमीर माना यजीद को कुमरा बुधाए जो त पहरियों तीर मुंह हलायो तीर बिठो वो सभी बुधो उमर इब्न सर जो ऐलान हुसैन अलैहिस्सलाम सर कर अली अकबर हेरे आ मौला हुसैन आसमान में बिठो चे हे अल्लाह मुझो तो अमीर भी तू हे अल्लाह मुझो सरदार तू हा सिर तो खा सवादी जे ज्ञान न तो झुकी सके तुझो हुक्म सब का पहरिया पांजी प्यारी शे दियो अली अकबर सब का पहरिया तू वेंदे असा भी नची में थूम क्यों वाला या तो पैं हथन से असा के कर या तो पे अस मोकल दे तू जान तो इन मिन्थन जो नतीजो हो मौला इजाजत दिनी पे सहाबी शहीद थे जैसे अहल बैत शहीद थे पेरियो शहीद अली अकबर हुसैन अलैहिस्सलाम जो दुआ घुरी ना अल्लाह मुझे वो बचड़ो थी मौला जदा भी मुख्य नान की सिक लगंदी नली अकबर ज़ालिमन उन बचड़े के मैदान जंग में आने बिहारियो जो सीरत सूरत बिन्हीं में तुझे नबी की छबी मुख्तल जहा किताब रिवायत ढी अजीब था लिखन चवन था मौला हुसैन मोकलो अली अकबर मोकलो मौला हुसैन मोकल बिन्हीं पर रोई रहा है अली अकबर पूछे तो बाबा साईं रो था किताब लिखन था हुसैन फरमाए अली अकबर तू पी हुजी हा मां पुट हो जा हा पुछा हा जवान बचड़ो मैदान में की छद अदर किताबन में भी रिवायत डाढ़ी अजीब अली अकबर सवार थियो आ दुलजना ते सवार थियो आ थोड़ो अगते वधी पोय आवाज बुधाई दिखाई तब बाबा पुख्या बीठो आ किताब लिखन था अकबर घोड़े ते हो हुसैन पैरन ते हो अकबर जे पुठिया भजंदो आयो आ मुझे नाने जी शबीह मुझा बचड़ा अली अकबर केतरा निजाल में के दो तक पहुंचायो आ आखिर हुसैन इब्न नमेर के हुसैन इब्न नमेर चमदा हुन जे हुन हमले अली अकबर के जीन पालनी ते अगर वायतुल्ला दस्त के खत्म कर मसायब तक इबादत थी वही आखिरी एक जुमलो तो पना हुसैन की शरीकत हुसैन कड़ी वफादार आ हुसैन के मकसद से आयतुल्ला दस्त के शरीकत हुसैन में अच्छी हिकड़ी शे लिखी है जैन आने मोहम्मद शहीद थिया हुआ तैन सलाम अल्लाह सजदे शुक्र कर ए अल्लाह तुझे शुक्र है तुझे दीन की राह में तुझे वली के मथा मुझा बचड़ा कुर्बान था थन पर आयतुल्ला लिखे तो जड़ा अली अकबर शहीद थो सरिया ही न सलाम वाला एक या अबता बाबा साईं मुझे आखिरी सलाम हुसैन भगवा पर जी अली अकबर जी मैयत ते पहुंचो आ दिखाई जैन बपे यहां पहुंची रही आयतुल्ला दस्त के चे तो बीबी खा पूछो बीबी बीबी तो आने मोहम्मद ते सजदे शुक्र पे करी आज बीबी अली अकबर ते हुसैन खा पे छो पहुंचियां तो शायद बीबी जैनब जवाब दिया
मां अकबर जी पहरी आजादार हां अली अकबर जी पहरी आजादार बन जी हुसैन के पहरियो पुरसो जण अची ऐलान करे रही आ हुसैन तू त कुर्बान तोखा पो मुजी कुर्बानी बाजी हुंदी जेका आजादारी तुजो दीन पकेड़ी दी वो आजादार जी पहरी जैन اے مومن تو پھیل علی دی اولاد اے اللہ سب نے مومن دی جنن باندھ گوڑن دے سب کے جائز نے حاجت تمنا پوری عطا فرمائی اسیں جانوں با تو پھیل امن کے جل اولاد